हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज तक आपके लिए बहुत सारी रेमेडीज़, रेसिपीज़ और बहुत प्यारे प्यारे ब्लॉग्स लाने की मैंने कोशिश की है और आपका बहुत सारा प्यार भी मिला है। तो आज मैं लेकर आई हूँ इंस्टेंट ग्रीन चिली पिकल, जो कि फ्यू मिनट्स में बनकर तैयार हो जाता है और खाने में तो इतना चटपटा और तीखा है कि मज़ा ही आ जाएगा। कम मेहनत में इतना बढ़िया अचार, तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ों की नीड भी नहीं है और बनता भी फटाफट है। इसे बहुत ही इजीली तैयार किया जा सकता है बहुत ही कम चीज़ों में। इसके लिए जस्ट हमें चाहिए जो आपके पास बचा हुआ बहुत ही पुराना आम के अचार का मसाला है या कोई मिर्च के अचार का भी, स्टफ मिर्च के अचार का मसाला बच जाता है वो भी, तो इस तरह से इन्हें ले लीजिएगा। और साथ ही मैंने ले ली है 100 ग्राम्स ग्रीन चिली। ग्रीन चिली आप अपनी चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं, तीखी या मीठी। तो मैं इस तरह से सभी चिलीज में कट्स लगा रही हूँ, जिस तरह से हमने भिंडी में भी कट लगाया था, करेले में और टिंडों में भी, जिसे भी स्टफ़ करना हो, स्टफिंग करनी हो जिसमें भी, उसमें इस तरह से कट्स लगाए जाते हैं। तो ये देखिए, मैं सभी चिलीज में इस तरह से कट्स लगा दूँगी। और अगर आपको कम तीखी मिर्च लेनी है तो मोटी वाली लाइट कलर की मिर्च आती है, आप वो ले सकते हैं। इससे तीखी लेनी है तो बहुत डार्क कलर की पतली ग्रीन चिलीज आती हैं, वो ले सकते हैं, ये मीडियम तीखी हैं। तो अब मैं ले लूँगी आम के अचार का मसाला। 100 ग्राम हमारी मिर्च थी तो मैं 5 से 6 टीस्पून बड़े वाले भर के आम के अचार का मसाला ले लूँगी और साथ ही मैं अब ग्रीन चिलीज़ को इसमें फिल कर लूँगी। वन बाय वन मैं सभी को फिल कर लूँगी। तो मैंने ये बहुत ज़्यादा तीखी मिर्च नहीं ली है, मीडियम में ली है। जितनी ज़्यादा डार्क कलर की मिर्च होती है और पतली होती है उतनी तेज़ होती है, और जितनी मोटी और लाइट कलर की होगी वो उतनी कम तीखी होगी। तो इस तरह से मैंने ये सारी की सारी मिर्च फिल कर ली है। तो अब मैंने एक पैन ले लिया है, पैन में बिना कोई ऑयल डाले हुए मैं ये सारी की सारी चिलीज इसमें डाल दूंगी और जो हमारे आम का अचार का मसाला बचा है वो भी इसमें डाल दूंगी। और लगभग इसी तरह से लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे चलाते रहेंगे। लगभग 5 मिनट तक इसे ऐसे ही चलाना है और अगर हम इसे चलाएंगे नहीं तो मसाला जल जाएगा। अगर आपको लगता है कि फ्लेम बहुत तेज़ है तो लो कर दीजिए। और मैं इसमें थोड़ा सा आम के अचार का मसाला डाल रही हूँ, आप चाहें तो इसमें जो बचे हुए आम के टुकड़े आपके रह गए हैं तो वो भी डाल सकते हैं, बट खाली चिलीज़ बहुत अच्छी लगती हैं। तो इस तरह से इसे बनते हुए लगभग 2 मिनट हो चुके हैं और अगर आपको ऐसे ही पसंद है तो आप इसे ऐसे ही निकाल सकते हैं, बट इसे अगर थोड़ा सा हम पका लेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, बट कुछ लोगों को ऐसे ही पसंद होती हैं। तो मैं इसे 1 मिनट के लिए कवर करके रख देती हूँ। कवर करने के बाद ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी और 1 मिनट के बाद जब देखा है तो मिर्च थोड़ी सी सॉफ्ट हो चुकी है, ये थोड़ी सी येलो शेड में आ जाए तब तक पकाना है। तो एक बार फिर मैं इसे कवर करके रख दूंगी। 1 मिनट के लिए मैंने इसे कवर करके रखा था और बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो गई है। तो मैं इसे निकाल लूंगी मिर्ची को, और इस मिर्ची को निकालने के बाद जो मसाला कढ़ाई में भी लगा हुआ है वो भी हम इसमें डाल सकते हैं क्योंकि वो जला नहीं है, जस्ट थोड़ा सा चिपक गया है। तो मैंने इसमें डाल लिया है और ये 15 डेज तक आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं रेफ्रिजरेटर में, तो इसे इजी है बहुत ज़्यादा स्टोर करके रखना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है गाइस तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो विद बेल बटन। तो टेक केयर, एंजॉय एंड बाय बाय।